मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट आसमान के तहत एमवी अस्पताल स्थित महिला रोग प्रसूति विभाग को नोडल अस्पताल बनाकर से संभाग के 4 जिला अस्पताल और 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिंक किए गए हैं। यहां पर सारा काम डिजिटल होगा। योजना का मकसद गंभीर मामलों में विशेषज्ञों की सलाह लेकर इनहेल करना है। नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान व मध्य प्रदेश के 4-4 जिलों को इस योजना में पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। 3 साल तक दोनों राज्य में पायलट प्रोजेक्ट परिणामों का विश्लेषण कर पूरे देश में लागू करने का फैसला होगा। प्रोजेक्ट के तहत करीब 2 साल से मैदान ई कार्ड चल रहा है। इसके तहत एमवाई की प्रथम मंजिल लेबर रूम में उपकरण लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट के तहत एमवाईएच सहित दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पतालों को उपकरण दिए गए हैं। इनसे गर्भवती महिलाओं व गर्भस्थ शिशु की जांच आसानी से हो सकेगी। हाल ही में हमारे डिपार्टमेंट में आसमान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आसमान प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है अलायंस फॉर सेविंग मदर्स एंड न्यू मॉम, मतलब माँ और बच्चे को सपोर्ट देना बचाने के लिए, मातृ शिशु दर को कम करने का ये प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे साथ जुड़े हैं 42 PHCs और 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में डाल दिया गया है। सब कुछ केस फाइल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं। सपोज़ किसी पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक ब्लीडिंग हो गई या लेबर प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो वो हमें कॉल करेंगे। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, टैबलेट है, जिस पर वो हमें कॉल करेंगे और पूछेंगे कि इस पेशेंट को आगे क्या करना। उस टैबलेट पे उनके डेटाबेस में अलर्ट्स आते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में एमवाईएच में 24 घंटे मौजूद विशेषज्ञ टेलीकॉलिंग से उक्त स्थान पर मौजूद स्टाफ को निर्देश देंगे।